हे हेलो गाइस, वेलकम टू यदि लाइफ। आई होप आप सबकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो गाइस, सबसे पहले सॉरी कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए हैं। जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जिन्हें आप देखते थे अलग अलग पकवान खाते हुए, वो अब से आपको नहीं दिखेंगे वीडियोज़ में, क्योंकि कुछ दिनों से जो बीमार थे काफ़ी, तो इसी वजह से मैं उनके साथ ही सारी जगह हॉस्पिटल वगैरह जा रहा था। इसी वजह से ज़्यादा वीडियोस नहीं मैं अपलोड कर पाया और ज़्यादा ट्रैक्स पे भी नहीं जा पाया। तो अभी दादी जी की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए मैं हरिद्वार गया हुआ था और वहीं से अभी वापस आ रहा हूँ, तो सोचा मैं आपको बता दूँ। और अगर आप भी कभी हरिद्वार नहीं गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जाके क्या क्या करना होता है, और अभी कोरोना के टाइम में कैसा है हरिद्वार का, और अभी हरिद्वार जाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी पेपर्स चाहिए या ई पास चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और हरिद्वार में इस वक्त कैसा है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सुबह 6 बजे हम हरिद्वार में पहुँचे और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये सुबह 6 बजे का है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग थे, सुबह सुबह ही 6 बजे ही आ गए थे और इतनी भीड़ थी। लेकिन कोविड रूल्स तो मैक्सिमम यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा, मास्क कुछ ही लोगों के फेस पे दिखते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हरिद्वार आने वालों के लिए भी ई पास मैंडेटरी रखा है और हमने भी ई पास बनवाया था, और साथ में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी आपको लेके जानी है, तभी वो ई पास आपका वैलिड होगा। पर कहीं पर भी हमारे ई पास की चेकिंग नहीं हुई, हम अपनी गाड़ी से गए थे। मे बी अगर आप बस से जाएं तो शायद आपकी हो सकती है, या मे बी हमारी नहीं हुई और बाकियों की होती होगी। पर आप ई पास और नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूर लेके जाइए, या फिर बोथ डोजेज़ का सर्टिफिकेट है तो वो अपने साथ ज़रूर रखिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरे साथ गए थे मेरे ताऊ जी, और अभी सुबह सुबह आपको सबसे पहले अपने पुरोहित के पास जाना पड़ता है। हर एरिया के अलग अलग पुरोहित होते हैं, तो अभी मैं और ताऊ जी भी अपने पुरोहित के पास जा रहे हैं सीधे, और फिर वही पुरोहित आपका सारा यहाँ पे अस्थि प्रवाह और पिंडदान करवाएंगे। तो हमारे पंडित हैं चंबा और कांगड़ा के पंडित चंद्रमणि जी हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश और करनाल यूपी के अलग अलग जगह के अलग अलग एरिया के अलग अलग पंडित होते हैं, और इनके पास ही जिनकी भी अस्थियाँ प्रवाहित होने आती है उन सबका लेखा जोखा होता है। तो अगर आपको भी अपने पूर्वजों के नाम वगैरह नहीं पता हैं तो आप भी अपने एरिया के पुरोहित से ये नाम वगैरह पता करवा सकते हैं, और जिसकी अस्थियां लेकर आए हैं उनका नाम यहाँ पे लिखवाना पड़ता है, और उसके बाद ये पंडित आपको लेके जाएंगे हर की पौड़ी में, और वहीं पे लाई हुई अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। अस्थियों को प्रवाहित करने के बाद आपको गंगा में स्नान करके फिर ये आपको लेके जाएंगे कुशा घाट की ओर। तो कुशा घाट में जाके आपको अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना होता है, और वो भी आपके एरिया के पुरोहित के द्वारा ही करवाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं इसके बाद जैसे मुझे टाइम लगता है मैं एडिटिंग करने स्टार्ट करूंगा। मैं पिछली ट्रिप के बाद पांगी वैली में कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे गया था और कुछ ट्रैक्स भी किए थे, तो वो वीडियो दोनों चैनल्स पे आएंगे, लेकिन मैं पहले वो एडिट कर लूंगा क्योंकि पूरा डाटा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी सारा एडिट करने को है। तो जैसे ही मैं वो एडिट करता हूँ तो आपको वो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी वीडियोस है। तो बस आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा और आपको फिर लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।